Hello guys, I hope you are having a good day today. Today we will learn memory drawing. Let's get straight into it. जब हम लोग मेमोरी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आपको फिगर का प्लेसमेंट कर लेना है। फिगर का प्लेसमेंट करते वक्त आपको वन लाइन स्ट्रक्चर डाल लेना है। वन लाइन स्ट्रक्चर डाल लेने से आपको ये पता चलेगा कि आपके फिगर्स जो है आपके पेपर पे आपके कॉम्पोजिशन में फिट हो रहे हैं कि नहीं, उनको बड़ा करना है, छोटा करना है, कि एक्शन कैसे करना है, ये सब आपको उसी टाइम समझ में आएगा। स्ट्रक्चर डाल लेने के बाद धीरे धीरे हर एक फिगर का डिटेल्स हम लोगों को कर लेना है। एलिमेंट्री एग्जाम के लिए 4 से 5 फिगर्स आपके मेमोरी में होना जरूरी है। मेमोरी ड्राइंग के लिए आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही जरूरी होता है। ये जो सब्जेक्ट है, काम करने वाले बिल्डर्स के यहाँ पे काम करने वाले लोग दिखा रहे हैं हम लोग, वर्कर्स, तो उनका ड्रेसिंग क्या होता है, वो खड़े कैसे रहेंगे या उनका एक्शन क्या हो सकता है, ये हम ऑब्जर्वेशन के बाद ही कर सकते हैं। आपका ड्राइंग प्रॉपर होने के बाद जो एक्स्ट्रा लाइंस है उनको हम लोग हल्के से रब करके बॉर्डर करने के लिए ले सकते हैं। अगर आपके पास वाटरप्रूफ पेन नहीं है तो आप बॉर्डरिंग का काम बाद में कर सकते हैं। मैंने बहुत ही थिन वाटरप्रूफ पेन, ब्लैक जेल पेन यूज़ किया है। जब भी कलरिंग स्टार्ट करना है मेमोरी ड्राइंग का तो हम लोग इस बात के लिए ध्यान रखेंगे कि बैकग्राउंड बहुत ही ट्रांसपेरेंट कलर से आपको करना है और बहुत ही लाइट रखना है।
अपने पास वाला या नीचे का पार्ट, पेंटिंग में नीचे का पार्ट हम लोग धीरे धीरे डार्क करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा आपके पेंटिंग में पर्सपेक्टिव आएगा, डेप्थ नजर आएगी। जो पास वाला पोर्शन है वहां पे मैं थोड़े से डिटेल्स डाल रही हूँ। जो दूर का पार्ट है जैसे कि वॉल है या जो सीढ़ी वहां पे गिरी हुई है उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है, या दीवार के बाहर का पोर्शन जो है स्काई का वगैरह जो लग रहा है वहाँ पे भी ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे थोड़ा ही काम करेंगे हम लोग बाद में। बैकग्राउंड का जो पोर्शन आप देख रहे हो वहाँ बिल्डिंग्स का सजेशन कर रही हूँ, सिर्फ बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स नहीं करना है वहाँ पे, सिर्फ फील होना चाहिए कि वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स है बाजू में। उसके बाद वॉल और ट्री आएगा, उसको थोड़ा डिटेल करना है। सबसे पहले हमारी है फिगर्स जिस पे हमें काफी सारा डिटेल्स करना है, उसमें भी आप ये देख सकते हो कि पास वाली जो फिगर्स है उसके ऊपर ज्यादा डिटेल्स करना है, जो दूर वाली पीछे वाली जो फिगर्स है उसको कम डिटेल्स करना है, आपको ज्यादा डिटेलिंग नहीं डालना है उसके ऊपर। और आपने देखा होगा कि जो दूर वाली फिगर्स है मैंने हाइट में थोड़ा सा छोटा दिखाया है, इससे भी पेंटिंग में डेप्थ नज़र आएगी, पर्सपेक्टिव जो है वो दिखेगा। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है पेंटिंग में, आप उसी कलर में जो पहले लिया हुआ कलर है उसी में आप थोड़ा थोड़ा बहुत चेंजेस करके, शेड चेंज करके भी आप बाकी के फिगर्स के डिटेल्स में इसका यूज कर सकते हैं। कलर का रिपीटेशन होना ज़रूरी है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर आने से पेंटिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड से थोड़ा सा डार्क मैंने फिगर्स को रखा है, और जैसे जैसे हम लोग उसके ऊपर डिटेल्स डालेंगे ये और ज्यादा डार्क हो जाएगी। पहले एक वॉश देके उसको पूरा सूखने के बाद मुझे उसके ऊपर शेड का काम करना है। हर एक टोन सिर्फ वन एंड सेकेंड टोन में दिया हुआ है और धीरे धीरे उसमें हमें शेड्स डालने हैं, कहाँ पे कहाँ से लाइट आ रहा है तो उसके अपोजिट साइड से हमें उसका शेडिंग करना है। इसके लिए लाइट एंड शेड का आपको अच्छे से जानकारी होना जरूरी है, जैसे स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट ड्राइंग में भी शेड एंड लाइट का स्टडी करते हैं, उसी हिसाब से आपको फिगर के बारे में और बैकग्राउंड के जो डिटेल्स जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसके ऊपर भी आप उसी तरह से उसी साइड से लाइट एंड शेड्स आपके आने चाहिए।
अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे मैं डिटेल्स डाल रही हूँ। अब चाहिए तो लाइट मीडियम डार्क का मार्किंग आप करके ले सकते हैं और उन्हीं पैचेस में आप डायरेक्टली लाइट मीडियम और डार्क कलर फिलअप करेंगे तो भी ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट आपको मिलेगा। Did you like it? If you enjoyed the video and learned something new, then share with your friends and hit the like button and subscribe for more. Signing out for now. Bye.